हमेशा की तरह टीम सेंचुरियन ने फिर से रचा इतिहास। एमएनएस 2021 में क्रिएट किए टॉप रैंकर्स और माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का दिया आप सभी को तोहफा। आप भी बन सकते हैं इन माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का हिस्सा, लिख सकते हैं अपनी कामयाबी की दास्तां हमारे साथ में। आज ही कॉल करें और बने एमएनएस 2022 के टॉप रैंकर। जय हिंद टू ऑल एमएनएस व्यूअर्स, एमएनएस एस्पिरेंट्स। आज मेरे साथ है हमारी स्टूडेंट राखी हुड्डा, जिन्होंने सिक्योर किया है ऑल इंडिया रैंक 32। ये पूरी जंग एक एमएनएस एस्पिरेंट की शुरू होती है रिटन एग्जाम के फॉर्म भरने से, और इस पूरे प्रोसेस में लग जाता है अराउंड 2 साल या इससे भी ज्यादा। कोविड के उस सिनेरियो में जहाँ पे किसी को ये नहीं पता था एग्जाम कब होगा, कितना डिले होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कब मेरिट आएगी, कब ज्वाइनिंग होगी, फाइनली राखी आपने वो जंग फतेह कर ली है जिसमें ना सिर्फ रिटन एग्जाम 140 से भी ज्यादा मार्क्स से आपने क्वालिफाई किया, एंड आपका रिटन 142 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिटन स्कोर यस सर 142 142. You have successfully cleared your written examination with flying colors. जब इंटरव्यू की बात आई तो आपने इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करी और इंटरव्यू में भी सबसे आगे रहे और बहुत अच्छा स्कोर किया। उसके बाद जब मेडिकल फिट होने के बाद मेरिट का इंतजार कर रहे थे और मेरिट में भी जब आपने देखा ऑल इंडिया रैंक 32, तो कैसा फील कर रहे हैं अभी? सर अभी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा प्राउड भी फील हो रहा है, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेरा ड्रीम था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का और पीपल को सर्व करने का, वो दोनों ही एक साथ कंप्लीट हो गए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एमएनएस को क्लियर कर पाई और इतना अच्छा स्कोर कर पाई। ओके वेल राखी, जब आप तैयारी कर रहे हैं एमएनएस की या किसी भी एग्जाम की, तो पेरेंट्स, फैमिली, एनवायरनमेंट, सपोर्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एस्पिरेशन में। कैसे शुरू हुआ ये सब, मतलब वो दौर पढ़ाई का कैसे आपने शुरू किया और कहाँ आपने पढ़ाई किया, 9th से स्कूलिंग बताइए जिससे जो व्यूअर्स एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं वो भी देख पाए कैसे आपने तैयारी किया और फिर एमएनएस का सपना कैसे आपके माइंड में आया पहली बार। So when I was in I think 6th or 7th class, so जब मैंने एक मूवी देखी थी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सो फ्रॉम देन ऑन मैंने सपना देखा था कि मैं मिलिट्री ज्वाइन करूंगी, एंड बाय दैट टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं मिलिट्री को कैसे ज्वाइन करूंगी या फिर गर्ल्स मिलिट्री को ज्वाइन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, तो मैं 10th तक वही सपना लेकर चली। देन 10th क्लास में मेरे साथ कुछ सिचुएशंस बदल गई, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बीमार हो गए और मैंने उनको हॉस्पिटल में देखा। लाइक जब भी मैं उनके साथ हॉस्पिटल में इंटरेक्शन करने जाती थी तो मैं वहाँ पे हर एक मेडिकल स्टाफ को देखती थी, लाइक डॉक्टर्स का इंटरेक्शन उनके साथ, नर्सेस का इंटरेक्शन उनके साथ। तो एट दैट टाइम मैंने 10th में मेडिकल लेने का सोचा। मैंने 10th DNCT स्कूल से करी, रोहतक से, दैट वॉज फ्रॉम HBSC बोर्ड, एंड आई स्कोर्ड 94% इन 10th। And after that, in my 11th class, I 11th and 12th schooling I have done from Duhan Public School, Jasiya. It was CBSE. It was from CBSE, and I prepared everything from there. Then I was thinking that I have to become doctor because I lost my grandparents, and that was the biggest blow to me, because that was the first time I have seen someone so close to me, and then in just one go they separated from me forever. So then I thought that I would become a doctor, but when I see the interaction of nurses in hospital with them, then I think that my life is I want something that more in I could interact more with the patients and make them feel that they are secure in the hospital. If their family members are not there, then it's okay, we are there for us, we will support them and give them a new hope to live. So from then on, I
dreamed of become a nurse, and after that it continued. In my 12th class, I was a little bit confused because of my NEET exam and military nursing exam. So I finally found the Centurion Defence Academy coaching on internet when I searched the India's best coaching institute. So I found only the name Centurion Defence Academy, and I decided to trust on them. And then I started my coaching of military nursing services from Centurion Defence Academy for 3 to 4 months. They were with me till the time I given my exam. I didn't make it last year, but I was so determined to join military and nursing along with. So military nursing services was the only option for me. And also many of my cousins and my uncle was in military. So it was always that I have to join military by any means. And so I was so determined about it. I started from Centurion Defence Academy. Their test series, their coaching and the teachers, they were so much supportive. They give a lot of support to me. And they were with me all the time, like my doubts, they cleared all my doubts. And they were like, it was, okay, Rakhi, they were known to... Centurion Defence Academy ke baare mein poochte rahenge, abhi iske baad poochenge. Pehle, Centurion Defence Academy se pehle mera sawaal ye hai. Parents ne kaise help kiya aapki? Parents ne kaise aapko bataya ki MNS exam ke liye motivate kiya? Especially parents, mother and father, ya agar aapke siblings hai, unhone. और आप ये भी बताइए कि आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट क्या थे. सो फर्स्ट माय पेरेंट्स कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. दे ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माय डिसीजन. व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम अ नर्स, दे सेड टू मी दैट जस्ट फॉलो योर ड्रीम. इफ यू वांट टू जॉइन मिलिट्री, दे वर मोर हैप्पी दैट आई वांट टू जॉइन मिलिट्री इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल कोर्सेज. आई डिसाइडेड टू गो इन टू मिलिट्री. दे वर हैप्पी अबाउट इट एंड दे सपोर्टेड अ लॉट. पापा क्या करते हैं? माय फादर इज अ फार्मर. My mother is a housewife, and my uncle, I live in a joint family. So all the members supported me a lot. My uncle is an ex-serviceman, and he's currently a government service officer, like a government servant at the post of Kanun Go. And my aunt is also a housewife. And my brother, but he's studying. Father jo kisan hai, agar aap... इस लेवल पे आपने ऑलरेडी रैंक 32 सिक्योर करके आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो फादर ने क्या बोला जब आपको आपने उनको बताया कल की ऑल इंडिया रैंक 32 है, उसके बाद फादर ने क्या बोला? मैं वो सुनना चाहता हूँ. सर वो बहुत खुश थे. उन्होंने कहा कि चलो आखिरकार तेरा सपना भी पूरा हो गया, हम भी बहुत खुश हैं तेरे लिए, और तूने एट लास्ट जो तुझे चाहिए था वो तूने कर लिया और हम तेरे लिए बहुत खुश हैं. और उन्होंने कहा कि आज सब कुछ मिल गया हमें, अब हमें बस बाकी बच्चों की टेंशन है कि तू लाइन में लग गई, तू चलने लग गई, अब तेरे पीछे पीछे सब चलने लग जाएंगे, सबको अपनी डायरेक्शन मिल जाएगी. कितने सिब्लिंग? वो लोग बहुत खुश थे दोनों मेरे. भाई बहन कितने हैं? सो वी आर टोटल 5. ओके. वन इज माय सिब्लिंग एंड द अदर 3 आर माय कजिन्स. अच्छा ठीक है. तो मम्मी ने क्या बोला जब yes, मम्मी ने बताया कि मैं तो बेटी निकल गई एमएनएस सब ज्वाइनिंग कंफर्म हो गई, तो क्या बोला मम्मी ने क्या बोला? At first she was happy, then she was crying at the same time, but out of happiness she was crying. We were waiting for many days na, that 2 months all about 2 months we were waiting for the result, and she was like all every day she was like, when are you going to go to Delhi, when are you going to your hospital, I'm just waiting for that day. And yesterday when she came to know that I got finally selected, and she started crying that you will go now and college, I'm happy for you. College ka letter, aapko confirmation aa gaya? College allotment confirmation aa gaya aapke paas?
यस सर, कल पहले ही आ गया था वो. कौन सा कॉलेज आपको मिला? मेरे रिजल्ट से पहले सर. दिल्ली R&R, दिल्ली कैंट. ओके, तो ज्वाइनिंग आपकी कब है? 25 की ज्वाइनिंग है आपकी, 25 अक्टूबर की? यस सर, 25 अक्टूबर. यस सर. अब तो 3-4 दिन बचे हैं, तो दोस्तों को पार्टी देंगे या नहीं देंगे? सर अगर मैं उनसे मिली तो दे ही पाऊंगी, अगर नहीं मिल पाई तो नहीं दे पाएंगे. अच्छा, तो चलिए ठीक है. तो अभी तैयारी वैयारी शुरू हो गई होगी जाने की? यस सर, शुरू हो गई आज से. चलिए ठीक है. अभी वो MNS एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि आपने रिटन एग्जाम के लिए क्या अप्रोच रखी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तैयारी के साथ साथ? वो यूट्यूब वाले लाइव भी देखते थे क्या, जो जो यूट्यूब वाले लाइव आते थे जिसमें बहुत सारे बच्चे तो वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते थे? और आपने नोट्स कैसे बनाए? आपको मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? ऐसा कुछ बताइए जिससे वो बच्चे भी फॉलो करें और उनको भी अगले आपके जूनियर बनके आपके नीचे नेक्स्ट ईयर में ज्वाइन करें. फिर राखी मैम हो जाएंगी ना उनके लिए जब वो आपसे एज ए जूनियर ज्वाइन करेंगे, तो कुछ ऐसी टिप्स देना. ओके ओके सर. सर मैंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के लेक्चर से शुरू किया था, ऑनलाइन लेक्चर से, एंड मैं साथ के साथ नोट्स बनाती थी. आफ्टर दैट टीचर्स क्लास में क्वेश्चंस भी पुट आउट करते थे, हमारे डाउट्स भी लेते थे, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करता था कि हमारे डाउट्स एट द टाइम पे ही क्लियर हो जाते थे. हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता था कि हमारे हम डाउट्स इकट्ठा करें, क्वेश्चन सॉल्व करें. एंड लाइक जीके के लिए सबसे ज़्यादा पार्ट, मुश्किल पार्ट जीके होता है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जीके को फेस कर रहे होते हैं. एंड जीके भी काफ़ी लाइक ब्रॉड हो जाता है, कोई पर्टिकुलर सिलेबस डिफाइंड नहीं है उसके लिए. जीके में क्वेश्चंस वो लोग कहीं से भी पूछ सकते हैं. बट जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के टीचर्स थे, सबने बहुत हेल्प करी. जीके वाज लाइक कुणाल सर पढ़ाते थे जीके हमें, और वो इतना अच्छा इंटरेक्शन करते हैं बच्चों के साथ कि उनको मजे मजे में ही सब कुछ याद हो जाता है. मुझे ज़्यादातर उनकी क्लास में ही याद हो जाता था, एंड मैं साथ के साथ भी लिख लेती थी. एंड जो मोस्ट हेल्पिंग पार्ट था कि लेक्चर्स आपके बाद में भी रहते हैं, अगर आपको कभी भी देखना हो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऐप में. जीके के और फैकल्टीज में आपने किन से किन से पढ़ाई करी? सर दैट मेरे को कुणाल मिश्रा सर याद हैं, एंड लाइक लास्ट ईयर मैंने लिया था. यस सर, जो हिस्ट्री पढ़ाते थे. यस सर, वो हिस्ट्री और फिजिक्स दोनों करवाते थे. यस सर. और हाँ जी, और रीजनिंग मैंने मैम से करी थी, वो भी काफी हेल्पफुल थी रीजनिंग. और कुणाल सर भी रीजनिंग करवाते थे, वो भी बहुत अच्छी थी. और रिजवान सर, मुझे सब कुछ क्लास में ही समझ में आ जाता था. सर रिजवान सर की बायो और केमिस्ट्री तो बस आप पूछो ही मत, इतनी इतनी मतलब बहुत अच्छा होता था वो. और दुबे क्लास सर? में इंटरेक्शन सर दुबे सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे. बिल्कुल, मेरे को सब कुछ क्लास में ही याद हो जाता था. लाइक मुझे अलग से ये जरूरत कभी नहीं पड़ी कि मुझे लेक्चर्स दोबारा देखने हैं. मैं साथ के साथ नोट्स बना लेती थी उसी चीज के, फिर बाद में मैं नोट्स को रिवाइज करती थी. और वीकली जो हमारे टेस्ट होते थे वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते थे. और जो भी मेरे टेस्ट, जो आपकी टेस्ट की रैंक यहाँ आती थी स्टूडेंट के टेस्ट में, वो रैंक क्या आती थी जनरली आपकी? SRNTH ऑल इंडिया के जो एग्जाम्स होते थे. दैट वाज 70 to 75 के बीच में मेरी रैंक रहती थी. ओके. इतना अच्छा नहीं था, बट मैं इम्प्रूव कर रही थी हर टेस्ट में. मैं इम्प्रूव करती थी. लाइक टारगेट आप ये लेके चलो कि ठीक है कम मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आप शुरुआत अपना जो आप सोचते हो वो ये रखो कि आपको हर टेस्ट में इम्प्रूव करना है. भले ही आप एक क्वेश्चन को इम्प्रूव कर रहे हो या दो क्वेश्चंस को इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन आपको इम्प्रूव करना जरूरी है. कभी भी खुद को डिमोट मत करो. चाहे प्रमोट आप एक नंबर से हो रहे हो, अगली बार और मेहनत करके आप 2 या 3 नंबर भी प्रमोट कर सकते हो, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है धीरे धीरे करके. लाइक बहुत सारे टेस्ट होंगे आगे, तो आप एक साल में जितने टेस्ट दोगे हर टेस्ट में इम्प्रूव करते जाओगे, तो लास्ट तक आराम से पहुंच जाओगे. तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी. मैं हर टेस्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन को इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी.
और जो मेरे क्वेश्चंस मुझे गलत मिलते थे मैं उनको अलग से नोट डाउन करती थी एक अलग नोटबुक में, फिर उनको रिवाइज करके नेक्स्ट टेस्ट में उसका ध्यान रखती थी कि मुझसे ये अगली बार गलती ना हो जो मैंने पिछले टेस्ट में गलती करी। वो चीज़ ने भी बहुत हेल्प करी मेरे लाइक प्रिपरेशन में। और जीके के लिए मैंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की बुक भी मंगवाई थी और लाइक जीके मेरी वहीं से हो गई थी, रीजनिंग मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो कुणाल सर ने और जो मैम ने करवाया था वो मेरे लिए इनफ था और वो आपके टेस्ट के लिए भी इनफ था। लाइक जो क्वेश्चंस वो लोग देते थे या जो क्वेश्चंस टेस्ट में आते थे रीजनिंग के लिए उतना ही बहुत है, आपको रीजनिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कंसेप्ट एक ही रहता है, क्वेश्चंस अलग अलग हो जाते हैं। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये ज़्यादातर साइंस के स्टूडेंट्स कर लेते हैं, फिर भी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लाइक कुछ बच्चों को हम बोल सकते हैं, मुझे आती थी, मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं थी इतनी, बट स्टिल मैंने इम्प्रूव किया, मैंने फिजिक्स को भी काफ़ी टाइम दिया, मैंने फिजिक्स को अलग से उसके हर एक चैप्टर के अलग से MCQs ढूंढे मैंने, लाइक डिफेंस गुरु जो आपका क्विज आते थे रोज तो मैं वो क्विज भी सॉल्व करती थी, उसने भी बहुत हेल्प करी। लाइक एक पर्टिकुलर टॉपिक के आप पे आपको बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो भी बहुत हेल्प होती है। तो मैंने ज्यादा फोकस किया कि जो मेरे पिछले साल गलतियां थी मैंने क्वेश्चंस इतने ज्यादा सॉल्व नहीं किए थे और मेरे पास टाइम भी ज्यादा नहीं था, मुझे सिर्फ 3 months मिले, तो 3 months में मैं ये एनालाइज कर पाई कि मुझे कैसे एग्जाम करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना करना है। बट नेक्स्ट ईयर मैंने वो सारी गलतियां अपनी दूर करी, मैंने जितने भी नोट्स बना रखे थे मैंने सबको दोबारा से पढ़ा, सारे नोट्स को मैंने सेल्फ स्टडी पे काफी ध्यान दिया, लाइक क्लासेस से अलग मैं सुबह का टाइम ज्यादा देती थी पढ़ने के लिए जीके को, और जो मेरे क्वेश्चंस होते थे उनको अलग से नोट डाउन करके उनको दोबारा याद करना, एंड मैंने यही सब सॉल्व करके इतना मैंने कर लिया। एंड लास्ट में जो आपकी टेस्ट सीरीज थी वो बहुत हेल्पफुल थी सर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, एंड जब आपको ये दिखता है कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है और वो पेपर में आ जाता है तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। और जब आपका कॉन्फिडेंस पेपर में सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है तो सर पेपर में ना बहुत हेल्प मिलती है उस चीज़ से, आप बाकी क्वेश्चंस को भी ठीक कर पाते हो। राइट। चलिए रिटन की कहानी यहाँ तक हो गई, आधा काम आपने रिटन की पूरी स्ट्रेटजी बता दी। इंटरव्यू में इतना अच्छा स्कोर कैसे कर लिया, मतलब जब इंटरव्यू में आपका मैंने स्क्रीनशॉट भेजा आपने तो मैंने देखा इंटरव्यू में आपका बहुत अच्छा स्कोर है, कितना स्कोर आपने किया इंटरव्यू में? सर 74 मार्क्स। 74 मैंने देखा है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के 70+ स्कोर उन्होंने सिक्योर किए हैं, और इस बार इंटरव्यू के मार्क्स ने मेरिट ऑर्डर को ऊपर करने में बहुत हेल्प करी है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 42 मार्क्स हैं, एक और स्टूडेंट है जिसके 142 मार्क्स हैं बट इंटरव्यू में उसके अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ भी नहीं आ पाई थी, इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाई थी और उसके जो मार्क्स आए तो उसके 40 के अराउंड मार्क्स आए और वो 300 से नीचे चली गई। तो यहाँ पे इंटरव्यू में स्ट्रेटजी आपकी क्या थी जब आपने इंटरव्यू की तैयारी करी? एंड सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के जब मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए क्योंकि आप लोग ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर रहे थे बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था और ना ही इतने सोर्सेस थे क्योंकि मैं पंचकुला से हूँ और वो मेरे लिए बहुत दूर पड़ जाता आने जाने में, तो वो मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं था वहां पे आना। लेकिन ये बहुत अच्छा एक मौका था मेरे लिए कि मैं ऑफलाइन इंटरव्यू की तैयारी कर सकती थी, लाइक शायद और इम्प्रूव कर पाती अगर ऑफलाइन की तैयारी मैं वहां पर आकर करती इंटरव्यू की। तो आपने ऑनलाइन में आपने क्या क्या सीखा था इंटरव्यू की तैयारी भी जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से आपने सीखा? यस सर, मेजर नासरीन फातिमा मैम ने बहुत अच्छे से इंटरव्यू में हमें बता दिया था कि हमें वहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है, लाइक बॉडी लैंग्वेज और हमारा कॉन्फिडेंस और एक स्माइली सा फेस होना चाहिए, और क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो उन्होंने हमें बताए थे उन्होंने उसी में से पूछा था, मुझसे अलग कुछ नहीं पूछा गया, तो वो उसके आंसर्स मैम ने पहले ही प्रिपेयर करवा दिया था हमें, हर एक से इंटरव्यू लाइक इंडिविजुअली पूछ पूछ के इंटरव्यू हमें
इंग्लिश में भी बोलना सिखा दिया था. लाइक उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था दैट आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो जिसमें कंफर्टेबल हो. तो मैम ने भी यही बोला था कि अगर वो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे तो आपको इंग्लिश ही प्रेफर करना है, वहां पे हिंदी में मत बोलना. लाइक आप मिक्स लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, बट अगर इंग्लिश आप यूज करते हो तो उसका इम्प्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ता है. तो वही चीज मेरे दिमाग में आई इंटरव्यू के टाइम पे जो मैम ने बोला था, तो मैंने इंग्लिश को ही प्रेफर किया वहां पे. एंड लाइक मैम ने, उन्होंने बाकी जितने भी क्वेश्चंस पूछे मैंने ऑलरेडी उनके आंसर्स तैयार कर रखे थे. एंड कॉन्फिडेंस और लाइक स्माइली फेस, ये तो मैम ने पहले ही सिखा दिया था कैमरा ऑन करवा करवा के, तो उस चीज में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई. एंड लाइक उन्होंने बोला था कि अटकना नहीं है. एंड काफी सारी उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स को देखा, लाइक हर एक इंडिविजुअल बच्चे की, कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो या आपको किस चीज में डाउट है. तो वो चीज भी बहुत हेल्पफुल थी वहां पे, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में जाने से पहले ही मेरी गलतियां पता चल चुकी थी जिनको ठीक करने का टाइम मुझे मिल गया था. तो जब आपको इतना कुछ मिल जाता है कि आपको इंटरव्यू से पहले ही मॉक इंटरव्यूज मिल जाते हैं, मैंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के चैनल पे काफी सारे मॉक इंटरव्यूज भी देखे और उनमें से भी काफी सारे क्वेश्चंस थे. हर इंटरव्यू में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस थे. हर इंटरव्यू से मैंने कुछ अलग सीखा, लाइक आपको इंग्लिश में बोलना है या आपका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपकी क्लोदिंग कैसी होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपको कैसे परफॉर्म करना है. तो वो चीज बहुत हेल्पफुल थी इंटरव्यू में, इसीलिए मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई आई थिंक. ओके, ग्रेट ग्रेट. सो कई सारे ऑनलाइन सेशंस हमारे ट्रेनर्स ने दिया, क्योंकि हमारे ज्यादातर ट्रेनर्स ऑफलाइन सेशंस, जैसे मैं भी ऑफलाइन सेशंस में ही क्लासेस देता हूं. तो क्या आपने मेरे सेशन ऑनलाइन में करे थे, या कभी मैं यूट्यूब लाइव आता था या कुछ कभी इंटरेक्शन आपने देखा था? यस सर, वो लाइव मैं हमेशा लाइव को अटेंड करती थी. जब भी यूट्यूब लाइव आता था मैंने हमेशा लाइव को अटेंड किया है. और आपके लाइक जो आपका समझाने का तरीका होता था वो बहुत इंटरैक्टिव लगा मुझे, बिकॉज स्लाइड्स बना बना के आप हर एक पॉइंट को कवर कर देते थे. हमारी हर एक क्यूरी को आप पहले ही लेकर आते थे और उसको पहले ही आपके पास एक आंसर होता था, तो हमें इतनी ज़्यादा क्यूरीज नहीं आई. एंड जो मैंने सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी कि सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी बच्चे के साथ आखिर तक रहती है और वो हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देती है, हर एक इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर ध्यान देती है. एंड लाइक ये काफी अच्छा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंटली ए टू जेड प्रिपरेशन, जिसमें राखी ने रिटेन से शुरू किया और फाइनल ज्वाइनिंग तक, लास्ट तक आज जो 19 डेट है और 25 को राखी ज्वाइन करने जा रही है. सो एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, हम यही देखना चाहते हैं कि जब आप रिटेन में हमें ज्वाइन करते हैं, फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, फिर आप मेडिकल के लिए जाते हैं, इवन स्टूडेंट्स मेडिकल के लिए भी अपने सजेशंस कि सर या मैम ये प्रॉब्लम आ गई हमें कैसे करना है, तो डेफिनेटली हमें, हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंट ये होता है कि जब स्टूडेंट फाइनली उसको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है. चलिए अगला सवाल हम आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि What is your long-term goal setting in your life? MNS join करना सपना था, मुझे MNS officer बनना है, चलिए joining होने जा रही है 25 को. आप BSc nursing के course में जो top 6 colleges हैं उनके बेहतरीन, जो सबसे best college है RR Delhi में joining आपकी confirm हो गई है, but उसके आगे क्या? Yes, sir. Ultimately क्या? Ultimate goal क्या है life का? चलिए lieutenant बन जाएंगे, now After 4 years, लेफ्टिनेंट राखी बन जाएगी. राखी, लेफ्टिनेंट राखी बनने के बाद क्या होगा? सर, लेफ्टिनेंट बनने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितने लोगों को सर्व कर पाऊं, जितने लोगों को इंटरेक्शन कर पाऊं या जितने लोगों की सेवा कर पाऊं, उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा. बिकॉज मेरा हमेशा से गोल रहा है कि, एंड माय ग्रैंडफादर हैज़ आल्सो ऑलवेज टोल्ड मी दैट सर्विंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन योर लाइफ एंड सर्विंग इज ऑलवेज द बेस्ट. सर्विंग पीपल इज सर्विंग गॉड. So indirectly you are serving God, and that too I would be serving the like who are serving our country, who are saving our country. So this is a very huge like, आप कह सकते हो कि ये एक बहुत बड़ी
जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर और एक इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल एमएनएस ऑफिसर के ऊपर है जो भी ज्वाइन करेगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा परफॉर्म करूं, कभी कहीं पर भी गलती ना करूं, किसी को भी शिकायत का मौका ना दूं। मेरा हमेशा गोल मेरा सर्विंग ही रहेगा लास्ट तक, और मैं चाहती हूं कि मैं मेजर जनरल की पोस्ट से वहां पर रिटायर होकर आऊं, और उसके बाद भी अगर मुझे मौका मिला तो उसके बाद भी मैं सर्विंग ही करती रहूंगी पीपल की। जितने सिख पीपल को मैं जितनी अच्छी तरह से सर्व कर पाऊं, जितने लोगों को जिंदगी की उम्मीद दे पाऊं, उतना मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा आपके ग्रैंडफादर ने, सेवा परमो धर्मा, सेवा ही सबसे परम धर्म है, और उस वो आर्म फोर्सेस से बेहतर, अगर आर्म फोर्सेस का पार्ट होके उससे बेहतर आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो वंस अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द बिहाफ ऑफ टीम सेंचुरियन, आपने तो नाम रोशन ही किया, और अपने गांव, जरा गांव का नाम फिर से लेके बताइए सारे व्यूअर्स को, जो आपके गांव का नाम सर, है पोलंगी, सर पोलंगी रोहतक डिस्ट्रिक्ट रोहतक का भी नाम आपने रोशन किया है, आप अपने आपने गांव का नाम रोशन किया है, और साथ में वो फैमिली मेंबर्स जो आपके फादर हैं जिन्होंने मेहनत से किसानी करी, और आज उनकी बेटी ने देश में परचम फहराया है और ऑल इंडिया रैंक 32 लेके देश का मान बढ़ाया है, और डेफिनेटली आप आगे अपनी सर्विसेज को आर्म फोर्सेस के लिए देते रहेंगे। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोबल कैरियर वन कैन एवर ग्रैब इन लाइफ। तो जाते जाते YouTube व्यूवर्स डेफिनेटली हमारे कोई वीडियोस को मिस नहीं करते हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि तुर्की के जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो कितने हेल्पफुल थे आपके लिए? सर वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, जब भी मुझे मोटिवेशन की जरूरत होती थी हमेशा मैम का वीडियो आ जाता था बिना बोले। आई डोंट नो ये टेलीपैथी थी या क्या था, लेकिन जब भी मुझे जरूरत पड़ी कि हाँ मैं कहीं पे लैग कर रही हूँ, तो हर एक कमेंट का जवाब देती थी मैम, और जब भी मुझे कोई भी मोटिवेशन या डीमोटिवेशन फील होता था लाइफ में, या मुझे ये फील होता था कि मैं थोड़ा लैग कर रही हूँ या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उसी टाइम पे या तो मेजर नासरीन फातिमा मैम का वीडियो आ जाता था या फिर मैम गुरकिरत मैम का वीडियो आ जाता था, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था और मेरे अंदर दोबारा एक जोश आ जाता था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, एक बार फिर कोशिश कर लेती हूँ, और फिर मैं दोबारा ट्रैक पे आ जाती थी, तो वो चीज बहुत हेल्पफुल थी मेरे लिए। ओके और राखी, जो टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया जैसे यश सर और कुणाल सर, अभिषेक सर, या फिर विद्वान सर, या फिर संगीत सर, या दुबे सर की इंग्लिश, तो वो सभी मिठाई का वेट कर रहे हैं, बट हम लखनऊ में हैं, आप रोहतक में, तो कैसे मिलेगी हमें मिठाई? सर मैं ही पहुंचा दूंगी जब मैं लखनऊ पे आऊंगी। ओके ओके ठीक है। सो राखी, बेस्ट विशेस फॉर योर करियर अहेड, फॉर योर प्रोग्रेसिव करियर, आप सक्सेस की और हाइट्स तक जाएं, आप बेहतर करें इन योर टेन्योर इन आर्म फोर्सेस, आप बीएससी नर्सिंग में फ्लाइंग कलर से पास हों जैसे आपने अभी किया है, एंड ऑल द बेस्ट। यस सर, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद सर। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।